बाय 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 आकाश राजा बाबू थैंक यू चाचा जी बाय बाय चिन्नम्मा बाय 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 पालाकाड फिर आएंगे। अब हम लोग जा रहे हमारे वेकेशन की लास्ट डेस्टिनेशन कोयम्बटूर ईशा फाउंडेशन। हाय बहुत मजा है, बहुत ही मजा, यादगार वेकेशन है। नहीं नहीं वो क्या है ब्लैक ब्लैक हाँ ले लो एक। Show me your face. बिना कुछ खाए पिए हम लोग घर से निकले थे, इसलिए थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट हम पैक कर रहे हैं। और जो शॉप से हम ले रहे हैं बहुत ही फेमस शॉप है, इसमें अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट मिल जाता है। सो हम लोग जा रहे हैं बाय कार, और हमने डोर स्टेप कार बुक किया था घर से ही, जो बजट फ्रेंडली टोटली नहीं है। और इसमें हमारे 2-3 घंटा लगेगा राइड में, जो हमें कोयम्बटूर ईशा फाउंडेशन की डोर स्टेप तक पहुँचाएगा। இப்போ ரிஸ்கி இல்ல அது டைம்ல ரொம்ப ரிஸ்கி ரொம்ப ரிஸ்கி அந்த ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா கூட வர ஃபோர்ஸ் 100 rupees में एक ओहो चलो पोला 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 मा जैक फ्रूट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा पालाकाड ये बॉर्डर है ये ब्रिज के इस तरफ केरला अच्छा और उस साइड में तमिलनाडु लिखा ऊपर यस वेलकम टू तमिलनाडु वाह वाह क्या था क्या एक्सपीरियंस ना अभी हम लोग है तमिलनाडु में एक मिनट पहले हम लोग थे केरला में गुड 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 लिंग वैरवी ओ वाव चलिए चलिए ध्यानलिंगम 1 kilometer ओह द रोड इज ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल। अभी अंदर घुसे तो मालूम पड़ेगा डिसअपॉइंटमेंट कैसा है। दोस्तों क्या बताओ मेरे एक्साइटमेंट हैप्पीनेस के बारे में। मेरे हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले तो ये जो ग्रीनरी, ब्यूटीफुल रोड, रोड साइड, विलेज, लैंडस्केप देख के तो मन खुश हो चुका है, आंखों में ठंडक आ गई। मुंबई में तो देखने को मिलता ही नहीं है ये सब रोड, ऐसा रोड देखने को मिलता है क्या। और ईशा फाउंडेशन के करीब आते जा रही हूँ तो मेरे अंदर में एक पॉजिटिव वाइब्स इंक्रीज हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, ओ हो हो, दिस इज एंट्री गेट ईशा फाउंडेशन। माई गॉड इट्स ब्यूटिफुल, कितना सुंदर प्लेस है ये, इट्स टोटली ऑर्गेनाइज। अरे अभी तो एंट्री भी नहीं की है, अभी अंदर जाके देखो। ये लोग जो लोग देखने के लिए आते हैं ना वन डे के लिए, जस्ट फॉर विजिट, अपना रूम मेरे बाजू में, ये पार्किंग एरिया है, अपने को चल के आना पड़ेगा आधा घंटा इधर तक। ये पार्किंग एरिया है। देखो पार्किंग एरिया, ये है पार्किंग एरिया। हम लोग कोयंबटूर ईशा फाउंडेशन में आ चुके हैं। आप पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमें एडमिन ऑफिस में जाना है, जो जगह का नाम है पिकअप पॉइंट। वहाँ पे जाने के बाद हम जो ऑनलाइन हमारे लिए जो कॉटेज बुक किए थे उसका पेमेंट और रजिस्ट्रेशन करना है। और वहाँ पे हम लोग 3 days 3 nights रहने वाले हैं। यस, चलो चलो बाबा, चलो पापा के साथ चलो। ईशा फाउंडेशन में आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है रूम की बुकिंग करना। तो हमारे बुकिंग हो चुका है, हमने पेमेंट भी कर दिया है और इसको करने में हमें 30 minutes लगा था। सो डिपेंड करता है कितना भीड़ है, कितना लोग है, तो आज ज़्यादा लोग नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी हो गया है। और वहाँ से हमने बस ले लिया है। सो जिस जगह से हमने बस लिया है उसका नाम है पिकअप पॉइंट, जहाँ पर हमारे कार ने हमें ड्रॉप किया था। वहाँ पर एवरी 15 minutes के अंदर में बस मिलता है और वो बस आपको सीधे लेके आएगा की कॉटेज तक। हर कॉटेज में छोटे छोटे एडमिन ऑफिस रहता है जहाँ पे 2 volunteers रहते हैं। वहाँ पे जाने के बाद volunteers को आपका नंबर, आपकी बुकिंग जो प्रूफ रहता है वो सब दिखाना पड़ता है, आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाना पड़ता है। दिखाने के बाद आपको आपके रूम अलोकेट किया जाता है और चाबी दिया जाता है।
हम बहुत ही लकी है कि हमें ऐसा रूम मिला है जहाँ से मैं सामने का व्यू देख सकती हूँ, इंजॉय कर सकती हूँ। और क्या वेदर है, ऑसम वेदर है, बारिश हो रही है और सामने का हिल तो क्लाउड से भर चुका है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।